एक बात फाइनली जान ले यहाँ पे कि रोजगार सेवक के समकक्ष पंचायत सहायक को भी काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर लग रहा है, तो हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आपसे भी अच्छे होंगे दोस्तों। पंचायत भवन से हालांकि ई ग्राम स्वराज जो है वो पोर्टल प्रॉपर रूप से संचालित करने के आदेश आ चुके हैं और संचालित हो भी रहे हैं, पंचायत गेटवे प्रोग्राम काम कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मनरेगा को भी ग्राम पंचायत लेवल पे जो है प्लान किया गया है। हालांकि अभी तक जो है मनरेगा सारी चीज़ें जो है ब्लॉक से होती थी और फ्यू पर्सन्स कुछ लोगों के हाथ में चलती थी, अब वो जो है सारी ग्राम पंचायतों में अलग अलग ढंग से करा जाना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी MIS डेटा फीड करना हो, चाहे वो आईडी निकालनी हो, आईडी को ऑनगोइंग प्रोग्रेसिंग करनी हो, उसके साथ जियो टैगिंग करनी हो, या फिर FTO बनाना हो फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, ये सारे काम जो भी होते हैं मनरेगा के, ये सारे ब्लॉक लेवल से होते हैं। अब ये काम ग्राम पंचायत लेवल से होने के हैं, ये लेटर भी आ चुका है। हालांकि आप सब तक ये लेटर पहुंच गया होगा, लेकिन मैं इस लेटर के कुछ ऐसे पॉइंट को बताना चाहता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा समझ लें। दोस्तों खासे इसमें एक बात ये है कि जहाँ पर रोजगार सेवक नहीं है वहाँ पंचायत सहायक इस मनरेगा के फीडिंग का काम करेंगे, लेकिन जहाँ पर रोजगार सेवक हैं रोजगार के सेवक के माध्यम से ही ये एंट्रीज करी जाएगी। वहाँ एक ही सिस्टम के माध्यम से पंचायत सहायक और उसी सिस्टम के माध्यम से रोजगार सेवक दोनों मिलकर के उस पर अपने डेटा फीडिंग का काम करेंगे। तो ऐसे में एक सिस्टम पे आपको बता दें CSC VLE का काम होगा, एक सिस्टम पे ई ग्राम स्वराज पंचायत गेटवे का काम होगा, एक ही सिस्टम पे आपके मनरेगा के सारे FTO का जनरेशन, वहीं पे MIS सारा करना, तो इतने सारे डेटा एंट्रीज के काम जो भी होंगे एक ही सिस्टम पे और दो बंदे को वहाँ पे बैठा दिएगा। तो कभी भी किसी भी ऑफिस में अगर एक बंदे को एक सिस्टम मिलता है तो वो उस सिस्टम की रखवाली करता है, सही ढंग से उस सिस्टम को मेंटेन करता है, साफ सफाई भी करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समस्या जब दो बंदों को बंटवारा एक सिस्टम पे हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ी सी नोच घटसोट बढ़ जाएगी, तो तकलीफें वहाँ बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार हो सकती है इस पहलू पे विचार ना कर रही हो। तो अभी जो पंचायत भवन की हालत है, कहीं पे बिजली कटी है, कहीं ट्रांसफार्मर जला है, कहीं पर सोलर पैनल चार्ज नहीं कर रहा है, कहीं पर स्टेबलाइजर जल गया है, ऐसी ढेर सारी समस्या अभी के हाल में क्रिएट है। 58,189 में 56,189 समथिंग जो भी ग्राम पंचायतें हैं, 56,000 में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी अगर बात करें तो मुश्किल से 20,000 से 22,000 ग्राम पंचायत से भी कम अभी इस तरह से एक्टिव हैं, और जो एक्टिव भी हैं उसमें ढेर सारी समस्याएं हैं। हालांकि इसकी रिपोर्टिंग सरकार बराबर ले रही है, जल्द ही इसके आंकड़े हो सकता है रियल आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि कराए जाने हैं। तो ये लिस्ट देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे, क्योंकि मनरेगा को लेकर काफ़ी उत्साह होता है, मनरेगा काफ़ी काम भी गाँव में होते हैं, कच्चे काम होते हैं, पक्के काम होते हैं, और मनरेगा से फंड काफ़ी आता है, क्योंकि मनरेगा कोई स्कीम नहीं है, मनरेगा एक एक्ट है। तो ऐसे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए जरूरी, तो देख लेते हैं कौन कौन से ग्राम पंचायत लेवल पर उस पंचायत भवन से एक्टिविटी की जाएगी उस कंप्यूटर सिस्टम से। तो यहाँ पे MIS संबंधित कार्य जो है वही एक मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत लेवल पे। तो जान लेते हैं वो कौन से कार्य हैं। यहाँ पे आप जान लीजिए कि वर्क आईडी जनरेशन का काम है, वर्क डिमांड, वर्क एलोकेशन, ई मास्टर रोल इशू, मास्टर रोल फिल करना, वेज लिस्ट, ये कुछ ऐसे काम है, वेज लिस्ट का जनरेशन करना, मटेरियल बिल फिलिंग करना, पेमेंट लिस्ट जनरेशन करना, लिस्ट सेंड टू अकाउंट फॉर FTO जनरेशन का कार्य जो है ये पंचायत स्तर से किया जाना है। तो ये एक अहम कार्य है, सारे लगभग टेक्निकल काम जो है इसी MIS में आ जाते हैं। तो ये सारे काम कहाँ से करने जाने हैं, ग्राम पंचायत स्तर से पंचायत भवन के सिस्टम से किए जाने हैं। अब यहाँ पे MIS फीडिंग का उत्तरदायी कौन होगा, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं हेडिंग नंबर 4 में लिखा हुआ है, MIS संबंधित उपरोक्त वर्णित कार्यों का उत्तरदायी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सेवक तथा ग्राम रोजगार सेवक न होने के समय पंचायत सहायक का होगा। यहाँ पे साफ साफ वर्णित है कि जो भी MIS जो भी एंट्रीज होगी उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी, चाहे वो FTO जनरेशन सेंड हो, चाहे वो आपका कोई भी MIS डेटा एनी टाइप का हो, वो सारे की जिम्मेदारी जो होगी कि रोजगार सेवक नहीं है तो पंचायत सहायक को उठानी पड़ेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो फाइनल FTO पे DSC लगाने का काम होगा, जो FTO आप जनरेशन करके सेंड करेंगे आगे, वो काम हो अभी भी BDO का है और आगे भी जो होगा वो फाइनलाइज वहीं से होगा, मतलब BDO अपने डोंगल को लगा करके वहाँ से फाइनलाइज करेगा। दोस्तों अभी तक ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव और प्रधान के DSC की बात कही गई थी कि आगे चल के जनरेशन होगा, लेकिन अभी वो मुद्दा अभी पेंडिंग है, आगे चल के जब ये मुद्दा सक्सेस हो जाएगा तो ग्राम पंचायत से DSC लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। एक बात फाइनली जान लें यहाँ पे कि रोजगार सेवक के समकक्ष पंचायत सहायक को भी काउंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर लग रहा है थोड़ा सा रोजगार सेवक के पैटर्न पे ही पंचायत सहायक के फ्यूचर को काउंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप सब थोड़ा सा समझते रहें, जितने भी काम आते हैं काम को अच्छे से समझें। और इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसकी ट्रेनिंग जो कराई जानी है
यहाँ पे लिस्ट नंबर 9 पे यहाँ पे आएंगे तो कार्य योजना के अनुसार कार्य का चयन से लेकर के वर्क आईडी जनरेशन, डिमांड, श्रमिकों का कार्य का आवंटन, जियो टैगिंग, मस्टर और सामग्री, बिल मानदेय तथा कुशल व अकुशल की फीडिंग आदि समस्त कार्यों को प्रशिक्षण विकास खंड स्तर पर कार्यरत अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यालय स्तर से भी इस प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतिनामिकी व तकनीकी सहयोग मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। मतलब मुख्यालय से भी और आपके ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये प्रशिक्षण रोजगार सेवक व पंचायत सहायक जहाँ पे नहीं है रोजगार सेवक उनको ये प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, उसके उपरांत उनसे काम लिया जाएगा। तो आई होप ये छोटी सी अपडेट आपके काम क्योंकि वीडियो अच्छी लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जय हिंद, बाय दोस्तों।